गाड़ी खड़ी करने से पार्किंग मिल जाए, हर जगह बाईपास निकले, हर मंदिर के बाईपास हैं। लेकर के दिखा तभी आया, बोला क्या बोला मैं बना और फिर करूंगा, अभी आगे देख देता हूँ ना, कसाईवाड़ा भी खोल देंगे। तो और हम भाइयों के बीच में आए, बड़े भाई हमारे, बहुत बढ़िया, बहुत ही की जो समस्याएं बताई गई है, ने जो काम नहीं करवाई यहाँ, क्या कहना था उसके बारे में? वो तो समस्या है, उसको सब जग जाहिर है, उसकी समस्या को तो बताना को जो नहीं है। अगर जनता आपको मौका देती है तो सभी समस्याओं का समाधान, भाइयों बताने की जरूरत नहीं, हम खुद देख चुके हैं जो समस्या उन्होंने पैदा कर रखी है या आज तक जो नहीं कर पा रहा, वो 25 साल हो गए उसको एक जगह बैठे हुए, और जो समस्या है तो वो समस्या बताने भाई क्या बताएंगे, हमको क्या मालूम है, हम सब देख रहे हैं। तो इसी के लिए भैया साथ मांग रहे हैं, भैया हम सब मिलके इन समस्याओं दूर करेंगे और जो जो होना चाहिए हमारी विधानसभा में वो हम जरूर लाके छोड़ेंगे। अब रिजेक्ट भी इसको बेरी में भेजा गया है तो बेरी रिजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उत्साहित ना है लोगों में, रघुवीर कादियान 6 बार के विधायक रह चुके हैं, रघुवीर कादियान 6 बार रिजेक्ट हो चुका है जी, तो सारे रिजेक्ट भी हैं, एक इंद्रजीत है जो सबका साथ करेगा और सबका भला करेगा। आपने एक नारा दिया है, चैलेंज खड़ा कर दिया है लोगों के बीच में कि पहले काम करो फिर विधायक पद के लिए आओ, वो तो है ही करना चाहिए, पहले कुछ करके दिखा तभी आया, बोला क्या बोला मैं बना और फिर करूंगा, तो पहले कुछ करके दिखाओ और फिर आगे लोगों को भरोसा होगा, हाँ भी आगे कुछ कर सकता है, जिसने पहले कुछ किया ही नहीं। मैं बोलता रघुवीर जी ने 25 साल हो गए ये करते हुए, वो कम से कम एक ऑटो रिक्शा लगा देता बेटियों के लिए तो मानते हैं कुछ कर रहा है। आपने बेटियों के लिए बस लगाई है, भावुक लड़कियां नजर आई मुझे कल, आपका इंटरव्यू किया मैंने बस में नजर की तो वहाँ देखा मैंने बेटियां भावुक नजर, भावुक ने उनका भाई ने उसका साथ दिया है, भावुक क्या, भाई और बहन का रिश्ता होता है, इसमें भावुक क्या होगा। जी हमारा जो माता भीमेश्वरी का मंदिर है वो बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन आज तक उसके बारे में किसी ने को सोचा नहीं है कि उसके लिए क्या उसका रख रखाव। बड़े बड़े मंदिर हैं जो और भी जगह बहुत इससे बाद के हैं, और वो इतने आगे हैं टेंपल, आप इसमें खाटू श्याम चले जाओ वहाँ कितने श्रद्धालु जाते हैं, उनके लिए क्या क्या धर्मशालाएं हैं, सुविधाएं हैं, पार्किंग सुविधाएं हैं, यहाँ पर क्या है। इतना बड़ा बेरी हल्का होते हैं, बेरी गाँव इतना बड़ा होते हैं जो कि 18,000 आबादी का आराम है, और उस गाँव में एक मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु साल में 2 बार बड़े मेले लगते हैं वहाँ पर, उनको आने के लिए बेचारे आते तो हैं मजबूरी क्योंकि यहाँ श्रद्धा के उससे आते हैं, लेकिन उनका भी कुछ होना चाहिए ना कि उनको रहने के लिए जगह मिल जाए, गाड़ी खड़ी करने से पार्किंग मिल जाए, हर जगह बाईपास निकले, हर मंदिर के बाईपास हैं, लेकिन इस मंदिर के तो है ही नहीं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है मंदिर टू मंदिर जोड़े जाएंगे, तो ये हमको क्यों छोड़ा गया। हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के लिए पूरा एक अभिशाप बना हुआ है कि हमको एकदम पिछड़ा बना दिया है, और इसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं है। बहुत सरकार आई और गई, कांग्रेस सरकार भी आई, बीजेपी सरकार भी आई, दोनों को देख लिया, अभी आजाद उम्मीदवार है इस काम को लेकर चलेगा। धर्म नगरी बोला जाता है बेरी को, उसके अंदर भी दारू की फैक्ट्री है, उसको किस तरह देखते जनाब आप? अभी आगे देख देता हूँ ना, कसाईवाड़ा भी खोल देंगे, तो अब तो दारू की दुकान लगाई है, आगे कसाईवाड़ा भी खोल देंगे सर जी, तो उसको इनकी चली तो इसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, लेकिन अब नहीं चलने देंगे, बहुत हो लिया। एक पानी की समस्या बहुत बड़ी है, पानी बारिश होती है तो पानी का ना ही निकास है, और घरों में पानी तक का पीने का पानी नहीं है। भाई पत्रकार महोदय आप एक पानी की समस्या ला रहे हैं, तो उधर समस्या क्या नहीं हो बता दो मेरे को, समस्या सारी क्या चीज का समाधान, उधर न कोई कॉलेज है न कोई उधर IMT वगैरह बना है जो रोजगार पैदा कर सके, खाली दारू की फैक्ट्री लगा दो, और एक अभी बाकी बच रहा थोड़े दिन, देखो यहाँ पर मुर्गे कसाईवाड़ा और खुलेगा, तो आप विधायक बनते हैं इन सबको दूर करेंगे? बिल्कुल दूर करूंगा, बात करने का शुक्रिया, धन्यवाद।